स्वास्थ्य योग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉडी शेप के लिए कुछ खास योगासन। यदि आप भी सुडौल शरीर पाना चाहते हैं तो करें ये योगासन। सांस को भरते हुए ऊपर देखिए, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस, 4 से 5 बार इसका अभ्यास। खूबसूरत और सुडौल शरीर की चाहत रखने वाले सभी लोग चाहते हैं कि उनके लेग्स और हिप्स एक आकर्षक शेप में हों, खास तौर से लेडीज के लिए। भुजंगासन, साइड बाय साइड अपनी एड़ी को देखते हुए। ये 10 योगासन जो आपके शरीर को बेहद ही आकर्षक शरीर में ढालते हैं। साइड बाय साइड देखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट पोस्चर, उत्तान पादासन। पूरे शरीर के पिछले हिस्से को सुडौल बनाने के लिए आसन बहुत ही उपयोगी। पेट के फैट्स को कम करने के लिए, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनके लिए, एक विशेष बात, जिनकी गर्दन में दर्द है वो सिर ना उठाएं। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से सांस को बाहर निकालते हुए 1, 2, 3, 4, 5 दोनों पैरों को ऊपर नीचे चलाते हुए, बॉडी को ऊर्जावान बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। नेक्स्ट, सुप्त पवन मुक्तासन। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए चेस्ट के ऊपर, नॉस्ट्रल को दोनों घुटनों के बीच में, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर धीरे से नीचे छोड़ दीजिए पैरों को। एक बार फिर से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, नॉस्ट्रल को घुटनों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 दोनों पैरों को 60 डिग्री पर रिलैक्स। श्वास को सामान्य रखते हुए एक बार फिर से 3 से 5 बार इसका अभ्यास। पैरों की मजबूती के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, भुजाओं को सुडौल करने के लिए, पूरे शरीर को तनाव रहित करने के लिए दोनों पैरों को एक साइड में मोड़ लीजिए। पूरी बॉडी की शेप के लिए दोनों पैरों को नीचे से घुमाते हुए दूसरी तरफ फोल्ड कीजिए। दोबारा सांस को भरते हुए दूसरी तरफ से साइड बाय साइड दोनों तरफ से 5-5 times सुप्त पवन मुक्तासन की वेरिएशन। लीवर किडनी की हेल्थ के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य है बॉडी शेप के लिए 8 से 10 बार इसका अभ्यास। दोनों पैरों को जैसे ही चेस्ट के पास लाएंगे सांस को बाहर निकालेंगे 1, 2 पूर अराउंड, 3 नया सांस भरते हुए साइड्स में श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। विश्राम पूर्ण स्थिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन, कागासन। एड़ी पंजों के बल पर बैठते हुए, जिनकी एड़ियां जमीन से नहीं लगती हैं वो वॉल का सहारा ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। इस आसन से जंघाओं और थाइस के पिछले हिस्से में मजबूती और खूबसूरती आती है। एक बात का विशेष ध्यान, जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन का अभ्यास ना करें।
इसी में नेक्स्ट उद्राकर्षण आसन, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सांस को बाहर निकालते हुए एक पैर के घुटने को दूसरे पैर के पंजे से लगाने की कोशिश कीजिए, गर्दन के पीछे देखते हुए। सेंटर में आइए, एड़ी जमीन से लगी हुई, गहरा सांस, सांस को बाहर छोड़ते हुए घुटने को दूसरे पैर के पंजे से लगाने की कोशिश, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन पादंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, पैर के अंगूठे से स्पर्श करते हुए। यह आसन पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, खासकर पेट, हिप्स और पैर इसके लगातार अभ्यास से सुडौल होते हैं। सांस को भरते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सांस को बाहर निकालते हुए नॉस्टल को पैर के अंगूठे के पास ले आए, कुछ सेकंड्स तक इसे होल्ड करते हुए क्षमता अनुसार न रोक पाने की स्थिति में वापस दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर और गर्दन को पीछे की तरफ खींचते हुए, गर्दन कंधों का दर्द दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। नेक्स्ट आसन का अभ्यास वीरभद्रासन का वेरिएशन, एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। इस आसन से पीठ और हिप्स की मांसपेशियों में मजबूती आती है, पूरे शरीर को सुडौल बनाने के लिए आसन काफी उपयोगी है। दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स इसका अभ्यास। दोनों पैरों को मैक्सिमम खोलते हुए माथे को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। टोटल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेग्स की शेप के लिए, इनर थाइज और आउटर थाइज की शेप के लिए, सामने देखिए, कुछ सेकंड्स तक होल्ड करते हुए पैरों में खिंचाव को महसूस कीजिए, क्षमता अनुसार न रोक पाने की स्थिति में धीरे से वापस आ जाइए। पादहस्तासन उत्कटासन, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए थोड़ा सा और नीचे की ओर बैठने का प्रयास लोअर बॉडी की शेप के लिए, संपूर्ण मांसपेशियों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अंतस्योग।